मैं सोच रहा हूँ कि बाई करा बेच दूं। ये डब्बी इसके अंदर खुल गया है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल, ठीक ठाक। तो काफी दिनों के बाद जो है आज मैं ब्लॉग जो वो रिकॉर्ड करने लगा हूँ। तो कल मैं फैसलाबाद से आ गया था वापस, तो फैसलाबाद जो है मैं ब्लॉग कर नहीं सका क्योंकि वहाँ पे बिजी काफी ज्यादा था, तो जिसकी वजह से ब्लॉग नहीं कर सका। वहाँ पे सिर्फ एक ब्लॉग जो है वो आपने देखा रिकॉर्ड किया, उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग रिकॉर्ड किया। तो कल मैंने सोचा कि वापसी के वक्त रिकॉर्ड करूँ, मैंने कहा फिर वही स्क्रिप्ट हो जाएगी कि मोटर बाइक मोटर ब्लॉग और जो है उसका क्या पता नहीं माइक चलता है कि नहीं चलता, तो फिर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो अभी बज चुके हैं तकरीबन 12 बज चुके हैं, तो अभी मैं नाश्ता करके ही ऊपर अपने कमरे में आया हूँ। तो अभी मैं सोच रहा था, तो कल मैं फैसलाबाद से ये पटाखों की डब्बी लेके आया हूँ। पूरी डब्बी तो नहीं है, इसमें से पटाखे कुछ चलते थे कुछ नहीं चलते थे, जो नहीं चलते थे वो मैंने निकाल दिए और जो चलने वाले मुझे लग रहे थे वो मैंने इसमें रख लिए। और कल मैंने एक चलाया था तो मेरे हाथ भी फट गया था, तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक पटाखे हैं, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि हाथ में ना चलाऊं, किसी और तरीके से चलाऊंगा। तो आप इस वीडियो में देखिएगा कैसे चलाते हैं पटाखे। अभी मैं ये गाड़ी निकाल के दोबारा सीधी करके लगाने लगा हूँ। तो इस तरह जब लगाते हैं गाड़ी तो इसकी जो दोनों साइड से स्पेस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बाइक खड़ी करने के लिए जगह तंग हो जाती है। तो अभी मैं इसका मुंह दूसरी तरफ करूंगा और बैक लगाऊंगा ताकि उस तरफ जो स्पेस है वो कम हो जाए, मतलब ना रहे, और इस तरफ स्पेस बढ़ जाए। तो ये करने लगा हूं। वैसे हमारी जो गाड़ी है बहुत ज्यादा गंदी हो गई है, तो आप ये देख सकते हैं कितनी ज्यादा मिट्टी लगी हुई यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी काफी ज्यादा गंदी हुई है, आगे भी ऐसे ही आ रहा है। तो आज मेरा धोने का मूड था लेकिन आज मैं नहीं धोऊंगा, अभी इसे बाहर निकाल के सीधा कर लेते हैं। गाड़ी का रिमोट ही नहीं चल रहा, ये देखें रिमोट ही नहीं चल रहा अभी, तो पता नहीं क्या हुआ, अभी इसे खोल के देखना पड़ेगा क्या मसला। खुल गया है, तो अभी मैंने रिमोट खोल दिया और लॉक इसका खुल गया है। हाँ खुल गया लॉक, तो अभी मैं गाड़ी जो है बाहर निकाल दूं। तो ये रिमोट का सर्किट है थोड़ा, फिर लॉक हो गया। तो ये भी ठीक हो गया, तो इसका जो सेल है ना वो अंदर से हिल जाता है, तो मैंने कोशिश तो की है कि अब ना हिले, तो अब देखते हैं। अब फिलहाल तो ठीक चल रहा है, सेल है इसका ना जो वो हिल जाता है। हाँ जी गाइस, तो अभी मैं आ गया हूँ छत पे, तो अपने साथ जो पटाखों की डिब्बी है तो वो भी साथ लेके आ गया हूँ। तो अभी यहाँ पे कुछ करके देखते हैं। तो वैसे आज धूप जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारी निकली हुई है, वैसे तो हफ्ते से इसी तरह धूप निकली है लेकिन मैं ब्लॉग आज कर रहा हूँ तो इसलिए आपको बताना पड़ेगा कि आज जो है धूप है बहुत ज़्यादा प्यारी निकली हुई है और हवा भी चल रही है हल्की हल्की थी। तो हवा का एक मसला होगा मेरे साथ क्योंकि मैं ये कढ़ाई पे गन्नों के जो छिड़के हैं वो पड़े हुए हैं, तो मैं चाह रहा हूँ इसे आग लगाऊँ, जब या इसमें आग भड़क उठे तो फिर पटाखों की जो डब्बी है ना ऐसी के ऐसी अंदर फेंक दूंगा और फिर देखेंगे कि क्या होगा इसके साथ। तो अभी इसे आग लगाता हूँ तो फिर देखते हैं कि क्या बनता है, आग लगती है कि नहीं लगती, क्योंकि धूप जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और धूप का ज़्यादा हवा जो चल रही है काफ़ी ज़्यादा, तो कोशिश करते हैं। अभी आग लगाना है जो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, आप हवा का अंदाज़ा यहाँ से लगा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है तो पता नहीं इसे आग लगती है कि नहीं लगती, लेकिन अभी एक मरतबा कोशिश करके देखता हूँ, नहीं तो मुझे उस कमरे में जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर आग लगा के बाहर लेकर आते हैं। आग लग गई है, अभी इसे भड़कने देते हैं। हवा इतनी ज्यादा तेज चल रही है कि आग भी भड़क चुकी है।
आग जो है इसको लग चुकी है, तो अभी इसके अंदर पटाखों की डब्बी है वो फेंक के देखते हैं, पता नहीं आपको नजर कैसे आएगा, तो इसी तरह से रखना पड़ेगा। यहाँ पे रख देते हैं इस तरह से। अभी ये वाली डब्बी है मैं इसके अंदर फेंकने लगा हूँ। अभी ये डब्बी इसके अंदर, एक पटाखा पहले गिर गया था इसके अंदर, तो अभी इसके अंदर ये डब्बी फेंक देते हैं। इसके अंदर कुछ पटाखे इस तरह के हैं जो बिल्कुल भी नहीं चले, वो बाहर निकाल लेते हैं और बाहर क्या निकाले इसके अंदर ही पड़े। हवा जो है वो काफी ज्यादा तेज चली, लेकिन फिर भी इसको आग इसने जल्दी पकड़ ली थी। और जो पटाखे हैं तो वो तकरीबन मेरे ख्याल सारे जो हैं वो जल चुके हैं और फट भी चुके हैं, ये देखें इस तरह के हो गए। तो अगर बीच में कोई हुआ तो पता नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से जो सारे हैं वो चल चुके हैं। अभी चेक कर लेते हैं कि कोई रहता तो नहीं है। ये लग रहा है मुझे रहता है, लेकिन पता नहीं, ये फुस हो गया मेरे ख्याल से, और ये भी फट चुका है, और सारे तकरीबन फट चुके हैं। हाँ, सारे फट चुके हैं, और यहाँ पे कोई नजर भी नहीं आ रहा। तकरीबन 15 से 20 पटाखे थे, लेकिन इतनी आवाज आई नहीं है कुछ चलने की, लेकिन पटाखे फिर भी गया, पता नहीं कहाँ गए, या तो फुस हो गए, पता नहीं क्या बना है, समझ नहीं आई। ये डब्बी अंदर फेंकी थी, तो ये डब्बी का ये हाल हो गया। इसका दूसरा हिस्सा मेरा जल चुका है, और ये पटाखों की वजह से बाहर निकल आया था, तो ये बच गया, इसे भी इसी के अंदर ही डाल देते हैं, जल जाएगा। तो कहीं अभी मैं नीचे आ गया, तो 2 बज गए हैं, तो अभी दोपहर का खाना खाते हैं। आज पके जी गोश्त है और आलू है, आलू गोश्त। तो खाना वगैरह मैंने खा लिया, तो अभी मैं दोबारा छत पे आ गया हूँ, तो धूप सेकने का बहुत ज्यादा मजा आता है, खास तौर पे इस तरह की धूप जो 2 बजे के बाद की हो और साथ साथ हवा चल रही हो। अभी मैं साथ गन्ना भी लेके आ गया हूँ, तो ये वो वाला गन्ना नहीं जो मैं उस दिन लेके आया था, ये कोई और ही नस्ल का गन्ना है, तो ये काफी ज्यादा मीठे गन्ने होते हैं। तो अभी मैं गन्ना बह के चूसने लगा हूँ। वैसे जो धूप है ना बड़ी प्यारी आज निकली हुई है। अभी शाम के 4 बज गए हैं, तो मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, तो ऊपर बादल भी आ गए और हवा ठंडी चलने लग रही है, और ऊपर बादल आ गए हैं, तो आज फिर मौसम ख़राब हो रहा है, लगता है आज फिर बारिश होगी। वैसे मतलब मौसम ने बुलाया था मुझे, तो अभी तक मैं पहुँचा कि पता नहीं पहुँचा, तो अभी देखते हैं। तो खड़ा यहाँ पे पता नहीं क्या बनने लगा है, वैसे ये प्रॉपर्टी तो किसी की थी, लेकिन यहाँ पे कुछ बनने लगा है मेरा ख्याल मकान वगैरह, तो ये पता नहीं कौन बनाने लगा। तो यहाँ पे जो है कॉलोनी कटने वाली है, उसका नक्शा यहाँ पे लगा हुआ है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, और ये पिच क्या प्यारी पिच बनाई हुई है, और मलक बाल कराने लगा है। देखिए बड़ी प्यारी पिच बनाई हुई है, यहाँ पे पत्थर वगैरह रख के, क्या 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 बात है, क्या बात, क्या बात। अभी मैंने बाइक जो वो बाय निकाली है, तो उस दिन बैटरी मैं चार्ज करवा के आया था इसकी, लेकिन जो बैटरी है वो अभी बिल्कुल फिर खत्म हो गई है, तो बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। तो अभी अली की दुकान पे लेके चलते हैं और धक्का लगवाते हैं किसी से, तो इसे स्टार्ट करते हैं अभी। अभी मैं बाइक राइड करके घर आ गया हूँ,
तो ये बाइक ने बहुत ज्यादा तंग किया हुआ मुझे। तो उस दिन मैं इसकी बैटरी जो है वो चार्ज करवा के आया था, लेकिन ये बैटरी बिल्कुल ही जीरो हो गई है उस वक्त से। इससे पहले जो बैटरी थी धक्का लगा के स्टार्ट हो गया, बाद में खुद ब खुद स्टार्ट हो जाती थी बाइक। आज मैं लेके गया हूँ, पहले धक्का लगवाया स्टार्ट किया है, पेट्रोल पंप तक गया हूँ पेट्रोल डलवाने लगा हूँ, तो पेट्रोल डलवा के देखा है बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही। फिर पेट्रोल पंप वाले से धक्का लगवाया, फिर नहीं स्टार्ट हुई। फिर एक बाइक वाला मिला, उसने धक्का लगाया तो फिर स्टार्ट हुई है। तो घर रहा हूँ तो घर के पास आके फिर बंद होगी दोबारा, फिर नहीं स्टार्ट हुई। तो इसकी बैटरी जो है वो बिल्कुल ही खराब हो गई है। तो अब मुझे लग रहा है कि लग गया है नई रखवानी पड़ेगी, क्योंकि बैटरी जीरो हो गई है। इससे अगर मैं उसे ना रखा तो शायद फिर भी चलती रहती, अब तो बिल्कुल ही जीरो हो गई है बैटरी। तो मैं सोच रहा हूँ कि बाइक का बेच दूँ नहीं मजाक कर रहा हूँ, बाइक नहीं इंशाल्लाह ताला मैं बेचूंगा, मैं सिर्फ इसकी जो बैटरी है वो चेंज करवाऊंगा। तो मुझे लग रहा है कि आज वाला जो व्लॉग है तो काफी ज्यादा लंबा हो गया। तो अगर आपको आज वाला व्लॉग अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। तब तक रहिए, अल्लाह हाफिज़।